हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मोबाइल चेक पॉइंट। तो दोस्तों, फाइनली रियलमी की तरफ से रियलमी वी सीरीज़ बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है। दोस्तों, इस सीरीज़ में आपको 5G फोन देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज़ में आपको दो वेरिएंट का फोन देखने को मिलेगा, जो कि रियलमी V5 एंड V5 प्रो, दो वेरिएंट का फोन देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे रियलमी V5 फोन के बारे में, जो कि 5G स्मार्टफोन है। दोस्तों, इस फोन में आपको बहुत ही अच्छी फीचर देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। और आप लोग को देख सकते हैं कि मेरे अभी भी तबीयत थोड़ा ख़राब है, लेकिन थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है, इसलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, आई होप आप मुझे सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, चलिए बात करते हैं देरी न करते हुए फोन के बारे में। दोस्तों, रियलमी की तरफ से ये फास्ट 5G फोन स्मार्टफोन होने वाला है। और दोस्तों, बात करते हैं इस फोन के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर आपको रियलमी V5 फोन में देखने को मिल सकता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 720 का प्रोसेसर, जो कि 5G प्रोसेसर है। साथ साथ यहाँ पर आपको 8 कोर का CPU देखने को मिलेगा, जो साथ साथ यहाँ पर आपको रियलमी V5 में देखने को मिलेगा दो वेरिएंट की रैम, जो कि 8GB एंड 6GB का दो वेरिएंट के रैम देखने को मिलेगा। साथ साथ यहाँ पर आपको 128GB का इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिलेगा इस फोन में। तो दोस्तों, अगर बात करें इस फोन की कनेक्टिविटी के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको USB टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिलेगा। साथ साथ यहाँ पर आपको 3.5 में हेडफोन जैक की सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस फोन में आपको 5G कनेक्टिविटी भी दिया गया है। साथ साथ यहाँ पर आपको, अगर बात करें इस फोन की फिंगरप्रिंट सेंसर की, दोस्तों यहाँ पर आपको फ्रंट साइड में फिंगरप्रिंट, यानी कि डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल सकता है, या फिर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इसके बारे में कोई भी डिटेल्स अभी तक नहीं आया। दोस्तों, साथ ही साथ इस फोन में आपको फेस अनलॉकिंग सिस्टम भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अगर बात करें इस फोन की स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर आपको 6.53 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा। आपको 2400x1080 पिक्सल का देखने को मिलेगा स्क्रीन रिजोल्यूशन। साथ ही साथ यहाँ पर आपको, अगर बात करें इस फोन की पॉन्चोल की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको पॉन्चोल कैमरा दिया गया है फ्रंट में, जो कि बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, यहाँ पर आपको कितना रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, इसके बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं है। हो सकते हैं यहाँ पर आपको नॉर्मल से 60Hz या फिर 90Hz वाला रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है इस फोन में। दोस्तों, बढ़ते हैं आएगा और बात करें इस फोन की कैमरा के बारे में। तो इस फोन में आपको 16MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ इस फोन में आपको 48MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया गया है, जिसमें आपको सैमसंग का सेंसर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 8MP का एक अल्ट्रावाइड भी सेंसर देखने को मिलेगा, और नीचे यहाँ पर आपको 2MP का एक पोर्ट्रेट एंड 2MP का एक मैक्रो सेंसर भी देखने को मिलेगा। तो कि टोटल इस फोन में आपको 4 कैमरा देखने को मिलेगा, यानी कि रियर साइड में यहाँ पर आपको 4 कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये हो गया कैमरे के बाद। दोस्तों, अगर आगे बढ़े और बात करें इस फोन की कलर की, तो दोस्तों ये फोन आपको 3 वेरिएंट कलर में आने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा शेडेड ब्लू, ग्रीन एंड सिल्वर कलर में ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। दोस्तों, देखते हैं ये फोन इंडिया में मेड इन चाइना या फिर मेड इन इंडिया होकर लॉन्च होता है, क्या होकर लॉन्च होता है, इससे इस फोन को लॉन्च होने के बाद पता चलेगा। दोस्तों, अगर बात करें इस फोन के इंडिया लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में, तो दोस्तों ये फोन इंडिया में 3 अगस्त के बाद लॉन्च होने वाला है ऑनलाइन लॉन्च इवेंट के जरिए। दोस्तों, अगर बात करें इस फोन की प्राइसिंग की, तो दोस्तों ये मिड रेंज प्राइस रेंज में लॉन्च होने वाला है। इसके प्राइस के बारे में कोई भी फुल डिटेल्स नहीं आया, लेकिन इतना बताया गया कि ये फोन आपको मिड रेंज प्राइस रेंज में देखने को मिल सकता है इंडिया में। दोस्तों, ये रहा रियलमी V5 फोन के बारे में फुल डिटेल्स एंड स्पेसिफिकेशन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ अपने दोस्तों से शेयर करें। दोस्तों, नीचे कमेंट करके बताएं रियलमी V5 आप लोगों को कैसा लगा।